जब तुलसी के ऊपर अध्ययन का काम हमने शुरू किया, शास्त्रों में तुलसी को ढूंढना शुरू किया, तो लगा तो ये तो अद्भुत वनस्पति है, भगवान से भारी है तुलसी, भगवान से भारी है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की संहिता पढ़ करके देखो, जब एक बार तुलना हुई भगवान श्री कृष्ण और तुलसी की, और दोनों को जब तराजू के पलरे पर रखा गया तो भारी कौन पड़ा? तुलसी। भगवान पर भारी है यह वनस्पति तुलसी, और उसको हमने बिना सोचे समझे चुटकी में घर से बाहर कर दिया, तो बीमारियां तो आएगी ही। अब तुलसी जो वनस्पति है, इसमें कौन सा धर्म है? कहां आती है धर्म की बात? यह तो सीधे सीधे हमारे शरीर से जुड़ा हुआ चिकित्सा विज्ञान है। तुलसी संपूर्ण चिकित्सा है। जिस तरह से पंचगव्य गुरुकुलम ने गाय और गव्य को संपूर्ण चिकित्सा के रूप में लाया है, हमारा प्रयास चल रहा है तुलसी को भी संपूर्ण चिकित्सा के रूप में लाने की, और आने वाले समय में केवल तुलसी से दुनिया के सभी रोगों की चिकित्सा संभव हो जाएगी। हाँ, फॉर्मुलेशन है हमारे पास, लेकिन हम सीधे सीधे फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं करते, उस पर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। सरकार क्लिनिकल ट्रायल की भाषा समझती है, तो ये क्लिनिकल ट्रायल के काम चल रहे हैं, और शायद 2-3-4 वर्षों के अंदर तुलसी एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान के रूप में उभर करके आने वाली है। और तीसरी जो बात है रसोई घर की, जो सबसे ज्यादा विकृत हुआ है, शहरी क्षेत्र में 100% रसोई घर विकृत हुआ, शहरी क्षेत्र में 100% रसोई घर किचन में बदल गए, गांव में रसोई घर अभी भी बचा है, मध्यवर्गीय परिवारों में बचा है, निम्न वर्गीय परिवारों में बचा है, लेकिन जिन परिवारों के बच्चे ज्यादा स्कूल में गए हैं उनके घरों में रसोई घर नष्ट हुआ है और किचन आया है। इसलिए हमने एक नया नारा शुरू किया है, स्कूल छोड़ो गैया चराओ, और सरकार को भी कहा है कि यह हमारा नारा है, चाहो तो मुकदमा कर लो, हम कोर्ट में बहस करने के लिए तैयार हैं कि ज्ञान गाय से मिलती है स्कूल से नहीं। पिछले साल सबसे ज्यादा जो मेरा प्रवास हुआ वह भारत के केरल प्रांत में हुआ, और केरल प्रांत के बारे में आपने सुना होगा कि भारत का अद्भुत प्रदेश है जहां 100% लिटरेसी है। लिटरेसी समझते हो? अक्षर ज्ञान, पढ़े लिखे लोग, सुना है ना? केरल भारत में 100% पढ़ा लिखा राज्य है। पिछले साल जब केरल के सभी जिलों का, 14 जिला हैं, 14 जिला में 12 जिला का प्रवास मैंने किया, और वहां पर गाय और उनके विज्ञान के का प्रसार और उस पर चिकित्सा का जब काम हमने किया, तो एक सच्चाई केरल की सामने आई। केरल 100% शिक्षित है, उसका परिणाम 100% बीमार है, ये जानकारी ले लो आप। केरल जिसको आप समझते हो 100% शिक्षित है, 100% बीमार है। और पिछले साल जब राजस्थान को मुझे घूमने का मौका मिला, यहां का प्रवास का जो मौका मिला, तब मुझे सच्चाई समझ में आई, क्योंकि राजस्थान के बारे में मैं पढ़ते आया हूं कि भारत में सबसे कम लिटरेट लोग अगर कहीं हैं तो राजस्थान में हैं, सबसे कम स्कूल जाने वाले लोग अगर हैं तो राजस्थान में हैं, लेकिन एक सच्चाई पता चली कि जिस राजस्थान के बारे में सरकार कहती है कि सबसे कम स्कूल जाने वाला राज्य है, वह राज्य स्वास्थ्य की दृष्टि में भारत में सबसे ऊंचा है।